हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल लवली प्रियंका में, जहाँ मैं बातें करती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड हेयर मास्क, जो आपके बालों को ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, आपके बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइन, स्मूथ और आपको फ्रीजी हेयर से छुटकारा देता है। साथ ही साथ आपके बालों के अंदर की ये डैंड्रफ को भी दूर करता है। तो ये हेयर मास्क आपके बालों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को कुल मिलाकर के बिल्कुल जड़ से मिटाता है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ मिल्क हनी और एलोवेरा जेल मिक्स किया हुआ हेयर मास्क की, जो आप घर में बना सकते हैं और इसके लिए आपको एक रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत। मैं यहाँ पे मिल्क इसलिए ली हूँ कि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, मिल्क में बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है, जो नेचुरली हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है और हमारे बालों के टेक्स्चर को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, सफल, सॉफ्ट और सिल्की बनाता है। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों को सिल्की, शाइनी और हमारे बालों को ग्रोथ के को बढ़ाने में हेल्प करता है। और प्लस यहाँ पे मैं हनी की बात कर रही हूँ, तो हनी एक नेचुरल कंडीशनर होता है जो हमारे हेयर्स के मॉइस्चर को लॉक करता है और हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ बनाता है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिखाने में। तो चलिए यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मैंने एक कटोरी में गुनगुना दूध लिया। गुनगुने दूध में जब आप हनी मिक्स करते हो तो बहुत ईजिली मिक्स होता है और ये आपके बालों के जड़ों तक पहुंचता है। तो इसलिए मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच हनी ऐड की हूँ और उसके बाद बहुत अच्छे से इसे मिक्स की हूँ। फिर मैंने एलोवेरा जेल 1 चम्मच यूज़ किया। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का, और इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते आपको ध्यान देना है कि आपका जो ये मास्क है वो हल्का गुनगुना हो, जिसे जब अपने बालों में अप्लाई करोगे तो ये बहुत अच्छे से जड़ में लगेगा। और देखिए, मैंने अपने फिंगर की हेल्प से इसे अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया है। मैं आपको पूरा बताऊंगी कि आपको, आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी ले सकते हैं या फिर आप इसे स्प्रे बॉटल या फिर डायरेक्ट भी अपने बाल पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे आपको जब आप अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे, आपको स्कैल्प में अप्लाई करना है और आपको अपने बालों के जितनी भी आपकी लेंथ है पूरे लेंथ तक अच्छे से कवर कर लेना है। और इसे आपको फिर आप एक शावर कैप लेंगे और इसे आपको 20 मिनट के लिए अपने बालों पे अप्लाई करके छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट आपको सिर्फ एक वॉश में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि मेरे बाल थोड़े से हार्ड हो गए हैं जस्ट बिकॉज़ कि मैंने यहाँ पे हनी डाला, और हनी जब ड्राई होता है तो आपके बाल को थोड़ा सा हार्ड करता है, बट इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसे अच्छे से आपको बालों को समेट लेना है और शावर कैप से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद जब आप 20 मिनट हो जाता है तो अपने बाल को वॉश कर लेंगे। और देखिए, मैं यहाँ पे अपने बालों को वॉश करके आई हूँ और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहे हैं और बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। गाइस, जब आपके बालों में डैंड्रफ होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगते हैं। और ये आफ्टर ड्राई होने के बाद मैंने बालों में स्टाइलिंग भी कर ली है, और प्लस आप देख रहे होंगे कि आपको मेरे बालों में कितनी अच्छी नेचुरल शाइन दिख रही है और मेरे बालों का टेक्सचर पहले से बहुत अच्छा निकल करके आया है। और ये बस सिर्फ फर्स्ट वॉश का रिज़ल्ट है। और फ्रेंड्स, आप अगर वीक में इसे 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को बहुत ही जल्दी हेल्दी, शाइनी, स्मूथ बनाता है और आपके जिनके फ्रीजी बाल हैं उनको एक बहुत प्यारा सा टेक्सचर मिलता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके मेरे वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।